जन्म से लेकर मृत्यु तक साफ सुथरा रहने वाले इंसान को मृत्यु के पश्चात स्वच्छ वातावरण में अलविदा करने की विचारधारा को अपनाते हुए बोरली पंचतन के आगरी समाज द्वारा सोमवार को स्मशान भूमि परिसर में स्वच्छता मुहिम चलाई गई। जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तब उसके आगमन के लिए हर कोई उत्सुक होता है। बच्चे के जन्म से पहले घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे के जन्म के बाद नवजात शिशु को कोई बीमारी छुए नहीं, इसलिए उसे हर प्रकार की स्वच्छता सुविधा दी जाती है। यानी इंसान के जीवन में वो हर पल साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है, तो फिर भला इंसान की मृत्यु के पश्चात उसे साफ सुथरे माहौल में अलविदा क्यों न कहा जाए। इस विचारधारा को अपनाते हुए पिछले कुछ सालों से श्रीवर्धन तालुका अंतर्गत बोरली पंचतन स्थित खोती नंबर 3 के आगरी समाज द्वारा बोरली पंचतन की स्मशान भूमि की स्वच्छता बिना मुबदला की जा रही है। इस साल भी उस परंपरा को कायम रखते हुए श्रमदान कर स्मशान भूमि परिसर की स्वच्छता की गई। इस स्वच्छता मुहिम में युवा और बुजुर्गों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। इस स्वच्छता मुहिम के बारे में स्थानीय आगरी समाज के युवा कार्यकर्ता शंकर गणेकर ने विस्तृत जानकारी दी। आगरी समाज, अखंड आगरी समाज बोरली पंचतन शंकरपेठ खोती नंबर 3 च्या वतीने गेले 3 वर्ष, हा तिसरा वर्ष आहे आम्ही हा उपक्रम राबवतो। याच्या मागचं कारण, आता बहुतांश ठिकाणी आपल्या स्त्री सेवा होते, अन्य ठिकाणी समुद्र किनारी साफसफाई होते, अन्य मुंबई ठिकाणी जे काही रोगराई असेल किंवा घनकचरा जास्त ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी सुद्धा साफसफाई सी सी वायच्या माध्यमातून होते। अन्य वेगवेगळ्या याच्यामधले असतील त्यांच्यामधनं सुद्धा साफसफाईचा कार्यक्रम हा राबवत असतात। परंतु माणूस जन्माला आल्याच्या नंतर त्याची आपण डागदुजी, त्याची चांगला तो म्हणजे स्वच्छ दिसायला पाहिजे असा आपला हा हेतू असतो। परंतु त्याचा देवाज्ञा झाल्याच्या नंतर ज्या ठिकाणी त्याची देवाज्ञा होते, त्याचा जो अंतविधी होते, त्या ठिकाणी आम्ही असं निर्णय घेतलं की ते सुद्धा साफसफाई व्हायला पाहिजे। म्हणून हा आम्ही उपक्रम राबवत आहोत अखंड आगरी समाज शंकरपेठ खोती नंबर 3 यांच्या वतीने। कुल मिला के बोरली पंचतन के आगरी समाज बांधवों की इस सामाजिक पहल ने नया आदर्श स्थापित किया है, ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष रेलेकर के साथ करनाला टीवी के लिए साहिल रेलेकर की रिपोर्ट।